एक और मामला, हरिद्वार में गंगा घाट का वीडियो वायरल बताया जा रहा है। विशेष समुदाय के लोगों का लोगों को गंगा घाट से हटाया गया है। बताया जा रहा है कि स्नान करने से के लिए पहुंचे थे ये समुदाय विशेष के लोग, युवक युवतियों से गंगा घाट से जाने के लिए कह दिया गया, उन्हें वहां से हट जाने के लिए कह दिया गया। एक और वायरल वीडियो सामने आया है हरिद्वार से, गंगा घाट का वीडियो है। समुदाय विशेष के लोगों से कहा गया कि आप चले जाइए, गंगा ना नहाइए। उसके अलावा कोई नहीं आ सकता बाहर, हमने कह दिया बाहर गेट के बाहर बाहर आप भी बाहर जाइए, बाहर जाइए आप लोग, यहाँ से जाइए जाइए, बदतमीजी मत कीजिए यहाँ पे, बाहर जाइए आप लोग। हम निकल रहे हैं, आप लेडी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि और लेडी आज यहाँ पे नहीं है, वो आप हमारे पास नहीं लेंगे, बाहर जाइए आप। और दोबारा अगर मुझे दिख गए तो ठीक नहीं होगा, आप जाइए बाहर। मैं आरजी बॉर्डर पे गाड़ी चलाता हूँ, मुझे रोक नहीं यार, बॉर्डर पे बहस कर रहा हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है यार, हमसे प्यार से कर दिया, हम खुद ही मार, हमने आपसे प्यार से कह दिया भाई, ठीक है। उसके अलावा कोई नहीं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी रोहित चिकोला इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रोहित, ये बताइए, क्या ये पूरा मसला इनका पुराना अंदरूनी मामला था या फिर वाकई ये गंगा में के किनारे बैठने और नहाने से मना करने वाला वीडियो है ये? मैं बता दूं कि हरकी कोड़े से खुद आगे चल के एक पार्किंग स्थल है, उसके बाद गंगा जा रही है, ये वहाँ का मामला है, ये पिछले कई दिनों पुराना मामला है और एक वीडियो वायरल हो रहा है। और जब पुलिस, कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने पकड़ा इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और ये दिल्ली पुलिस बताया का कर्मचारी बताया जा रहा है। किसे पकड़ा है और क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस ने जो ये शराब के एक्ट के खिलाफ जो भी नियम बनता है उसके हिसाब से इसके खिलाफ चलान किया गया, उसके साथ जो भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसके खिलाफ चलान हुआ रोहित, पहले ये बताएं, इसमें एक पक्ष जो दिखाई दे रहा है गंगा के किनारे ना रोकने वाले पक्ष, जो बैठ के वहाँ पर शराब पी रहा था, okay. जो शराब पी रहा था दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, उसके खिलाफ जो सूचना आने के बाद पुलिस को दी गई, पुलिस ने उसके खिलाफ जिन धारा में मुकदमा दर्ज किया और जो भी कानूनी कार्रवाई की गई। तो सबूत थे जहाँ ये शराब पीने का ये पूरा मामला था और इस वजह से इन्होंने उनको उठ करके जाने के लिए कहा। ठीक ठीक है रोहित, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए ये वीडियो सामने आता है, पुराना वीडियो है लेकिन इस पर एक्शन अब लिया गया है। इन लोगों का कहना, स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब पी करके ये गंगा किनारे बैठे हुए थे और अब इनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। खबर केदारनाथ के गर्भगृह से जुड़ी है। नोट उड़ाने का वीडियो वायरल है, वीडियो में एक महिला गर्भगृह में नोट उड़ाते दिखाई दे रही है, महिला को रोकने की कोशिश करते तीर्थ पुरोहित दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल है, बद्री केदार मंदिर समिति ने इसका संज्ञान लिया है और डीएम एसपी चमोली से कार्रवाई की भी मांग की है। ये देखिए, बताया जा रहा है कि तीर्थ पुरोहित इस महिला को रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। महिला गर्भगृह में नोट उड़ाती नजर आ रही है, लोग इस वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं। केदारनाथ के गर्भगृह में नोट उड़ाने का वीडियो वायरल है। ये महिला जो आपको दिखाई दे रही है साड़ी में, इन्होंने एक के बाद एक ढेर सारे नोट उड़ाए। हालांकि तीर्थ पुरोहितों का ऐसा कहना है कि उन्होंने रोका, मंदिर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हों, लेकिन फिलहाल सामने आई है गर्भगृह से। और अब वायरल वीडियो पर बद्री केदार मंदिर समिति ने संज्ञान लिया है, डीएम और एसपी चमोली से कार्रवाई की मांग की है। सिर झुकाने, श्रद्धा आस्था विश्वास की जगह पर माथा टेकने के बजाय रुपए उड़ाते ये वीडियो वायरल है इस महिला का, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहितों ने। कहना ये है कि मंदिर के तीर्थ पुरोहितों ने मना किया, ये गर्भगृह की तस्वीरें, ये वीडियो वायरल बताया जा रहा है, जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। क्या है ये पूरा मामला जरा देखिए, केदारनाथ के गर्भगृह में नोट उड़ाने का वीडियो सबसे पहले तो सामने आता है, लोग इसे बहुत शेयर करते हैं, जिसमें दिखता ये है कि महिला गर्भगृह में नोट उड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देखिए इस वीडियो को, महिला के पास तीर्थ पुरोहित भी खड़े नजर आ रहे हैं इस वीडियो में देखने पर, ये भी पता चल रहा है, और लगातार नोट उड़ाती हुई महिला नजर आ रही है। बीकेटीसी ने वायरल वीडियो को संज्ञान लिया है और कहना ये है कि जहां पर किसी भी तबके से कोई भी पहुंच सकता है, किसी भी हालत में श्रद्धा और आस्था वाली जगह पर, तो ऐसी जगह पर क्या इस तरीके का शो ऑफ, इस तरीके का प्रदर्शन, नोट उड़ाने वाला ये वीडियो, सबसे पहली बात तो ये कि सच है, इसके पीछे का सच है क्या, कौन ये महिला है जिन्होंने ऐसी जगह पर, ना ये कोई बारात है, ना घुड़चढ़ी है, ना इस तरीके का माहौल है, जहां पर इतनी कठिन यात्रा करके आते हैं,
बाबा के दर्शन करके लोग भावुक होते हैं, वहां पर इस तरीके का वीडियो, और वीडियो बना कैसे? गर्भगृह अपने आप में ऐसी जगह है जहां पर ज्यादातर देखा गया है कि एंट्री नहीं होती है, यहां की तस्वीरों को भी नहीं साझा किया जाता है, लेकिन वहां से ये वीडियो आया है सामने। आइए चलते हैं हमारे सहयोगी रोहित डिबरी के पास, उनसे जानकारी लेते हैं। रोहित, इस वीडियो को क्या बताया जा रहा है, ये सच का वीडियो है? और अगर है तो अब तक संज्ञान के बाद कोई कार्रवाई की खबर आई है क्या? जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, केदारनाथ धाम में एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है। जो महिला है लिंग पर, जो भगवान केदारनाथ की 11वां ज्योतिर्लिंग है, उस तरह से नॉट फेंकती हुई उड़ाती हुई नजर आ रही है। यह वीडियो कम से कम एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है, जो 2 दिन पहले ही वायरल हुआ है। वायरल होने के बाद इस वीडियो पर काफी कमेंट्स कह सकते हैं, काफी कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और हर कोई इस वीडियो पर प्रतिक्रियाएं दे रहा है कि ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है केदारनाथ धाम में। और कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक भगवान केदारनाथ की जो आस्था है उसको इनके खेत पहुंची है। खासतौर पर जो तीर्थ पुरोहित हैं जो हर मामले को उठाते हैं, वे इस मामले को नहीं उठाते हैं, जबकि मंत्री केदार मंदिर समिति के कर्मचारी मंदिर के भीतर रहते हैं, पुलिस के कर्मचारी मंदिर के भीतर रहते हैं, कोई भी इस महिला को नहीं रोक रहा है। जब यह मामला जिला प्रशासन के पास पहुंचा तो अब जाकर डीएम रुद्रदयाल मयूर दीक्षित ने कार्रवाई की बात कही है, उन्होंने इस महिला पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। इसके अलावा जो बद्री केदार मंदिर समिति के कर्मचारी जो मंदिर में रहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनसे कार्रवाई की बात कही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं बिल्कुल। और रोहित, जाहिर सी बात है, ये जगह पूजा पाठ के लिए बनी है, और यहाँ पर अपनी माली हालत को प्रदर्शित करने का कोई स्थल ना बनाया जाए, ना ये दिखाया जाए कि किस पे कितना पैसा है, ये बताने की जगह नहीं है। यहाँ पर वो माया से दूर एक बार आकर के सिर नवाएं और जाएं, इस तरीके का प्रदर्शन करें और वीडियो बनाए, उसे फ्लॉन्ट किया जाए, ये ऐसी जगह है क्या? गर्भगृह ऐसी जगह है क्या जहां से इस तरीके की तस्वीरों को निकाल करके लोग फ्लॉन्ट करें और अपना रुतबा बता रहे हैं या क्या बता रहे हैं, ये तो बाद की बात है, लेकिन मंदिर प्रशासन गर्भगृह में ऐसा करने देता है, ये बड़ा सवाल है। आइए रुक करते हैं, इस तस्वीर से ही जुड़ी बड़ी खबर जो मिल रही है वो भी अब दर्शकों को बताते चले। कांग्रेस ने बीकेटीसी की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पूछा यह है कि गर्भगृह में नोट उड़ाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने वीडियो को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और पूछा है कि इस मामले की जांच हो और कब तक हो, और ये पता लगाया जाए कि क्या ये आम चीज है, क्या इसको तीर्थ पुरोहितों के सामने होने देना चाहिए था और इसकी वीडियो बननी चाहिए और सबको दिखाने के लिए, बताने के लिए यही जगह चुनी गई है। जिस तरीके से गर्भगृह में एक महिला नोट उड़ा रही है और मंदिर प्रबंधन उसमें कुछ भी नहीं कह रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, किसी को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ज्योतिर्लिंग है, 4 धामों में से एक धाम है, उसकी एक अलग पवित्रता है, उसकी अलग प्रबंधन होता है, लोगों को आने जाने में किस तरीके से पूजा अर्चना करनी ये बताया जाता है, लेकिन अगर इस तरीके से नोट उड़ाने का काम गर्भगृह में होगा तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल उनका फेलियर है साहब। बीके जो बद्री केदार मंदिर समिति है उसके कर्मचारी वहाँ रहते हैं, वो क्या कर रहे थे? उसके सुरक्षा गार्ड रहते हैं, वो क्या कर रहे थे? तो आपने सुना कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी तूल पकड़ रही है। 4 धाम में देखिए, हमारे सहयोगी रवि जुड़े हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रवि, कुल मिलाकर के देखा जाए 2 एंगल नजर आ रहा है, किस तरीके से ये नोट वाली वीडियो पे सवाल भी उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस भी यही सवाल कर रही है कि इस तरीके का वीडियो या राजनीतिक एंगल अब जुड़ रहा है, इसे लेकर के मंदिर समिति का क्या कहना है, उन्होंने क्या सफाई दी है? बिल्कुल सुनीता, देखिए जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है और सबके सामने आ चुका है, लेकिन जो तरीका है जिस तरीके से वहाँ पर नोट उड़ाए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अभद्र है। और जिस तरीके से इसकी जितनी जो निंदा कांग्रेस भी कर रही है और तमाम लोग भी वीडियो देखने के बाद इसी बात को कह रहे हैं कि बाबा के गर्भगृह में जाकर इस तरीके से नोटों को उड़ाना कहीं भी तक भी ठीक नहीं है। यहाँ जो बीकेटीसी का सवाल है तो उनके सिस्टम पर भी सवाल उठ गए हैं कि वहाँ पर कोई महिला जाती है, इस तरीके से वीडियो जो सामने वायरल हुआ है, और उसके साथ ही जो तीर्थ पुरोहित हैं वो वहाँ पर मंत्रों
उच्चारण कर रहे हैं बगल में खड़े हुए, ताकि जबकि रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। हालांकि बीकेटीसी की ओर से एक लेटर जारी किया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो एसपी हैं और जो जिलाधिकारी हैं वो इस पर कार्रवाई करें। जिलाधिकारी की ओर से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि अभी महिला कौन है इस बारे में तमाम चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई है। महिला की जो है ये खोजबीन की जा रही है कि वो यहाँ पर आई, उन्होंने इस तरीके से नोट उड़ाया और उसका एक वीडियो वायरल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मंदिर समिति के उस मैनेजमेंट पर जिसकी बात कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम और विवाद भी सामने है और इसी बीच इस एक वीडियो जो है सबके सामने आ जाता है, जहाँ पर जो मैनेजमेंट है। फिर से आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि बीकेटीसी ये एसपी और डीएम से पूछना चाह रही है कि इनके ही समिति के उनके पुजारी जो इस गर्भगृह में दो दिखाई दे रहे हैं उनसे पूछना उचित नहीं है, उन्होंने वो रोकने की कोशिश की, उनका ये कहना है, और एसपी जांच करके इस महिला से पूछेंगे और बताएंगे, बाकी पुजारियों से पूछेंगे नहीं, ना ही इनसे जानकारी ली जाएगी, ये बीकेटीसी को सही नहीं बताएंगे। बिल्कुल सुनीता, देखिए जो बात सामने आई है कि वहाँ पर जो समिति के लोग हैं उनसे भी एक रिपोर्ट तलब की गई है, उनसे भी पूछा गया है कि अगर वहाँ पर ऐसा हुआ है तो महिला को कैसे अंदर जाने दिया, और वहाँ पर जिस तरीके से वीडियो बनी है, क्योंकि गर्भगृह में फोटो खींचना तक वर्जित होता है, लेकिन एक वीडियो बनकर सामने आती है, उसमें नोट उड़ाते हुए इस तरीके से महिला दिखाई देती है, तो पूरी तरीके से जो सवाल है वो बीकेटीसी पर भी यहाँ पर खड़े हो चुके हैं कि कैसे गर्भगृह में जाकर इस तरीके की वीडियो बनाई जाती है, उसको वायरल किया जाता है। पूरे मामले पर नजर बना के रखिएगा कि आखिरकार जांच की आंच किस तक पहुंचती है और जांच की रिपोर्ट कहां तक पहुंचती है और इसकी रिपोर्ट आती कब तक है। शुक्रिया रवि। और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर के गठित कमेटी ने सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर ली है, कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही हम इसे लागू कर देंगे। सीएम ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में यूसीसी को लागू किया जाए। देखिए, यूसीसी का एक चुनावी वादा लेकर के पुष्कर सिंह धामी सीएम बनते हैं, उससे पहले प्रचार में ये सब कुछ प्रचारित किया जाता है, लेकिन अब देखिए इस पूरे नियम को लेकर के जल्द लागू करने की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है, सभी के बीच में जाके जनता के सुझाव भी लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी बात करी है, स्टेक होल्डरों से भी बात करी है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम जब इसको लाए थे तो हमने कहा था कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। और देखिए, इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया था जिसमें सीएम ने लिखा था कि देवभूमि उत्तराखंड में जल्द लागू करें समान नागरिकता नागरिक संहिता कानून। यूसीसी कानून पर सभी वर्गों से राय ली गई है, ड्राफ्ट के लिए गठित कमेटी ने बैठकें की हैं, एक तरह से यूसीसी का ड्राफ्ट फाइनल होने के करीब है और जल्द ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। मैं तीन तलाक के बारे में बोलना चाहती हूँ थोड़ा। तीन तलाक का जो ये एक कट्टरपंथियों के जो हम लोग को थोपा गया था, उसने मुझे टेलीफोन पे तलाक दे दिया है, मौलवियों के पास भागना है। जो तीन तलाक की जो ये कट्टरपंथियों का जो ये मुल्ला मौलवियों का जो ये सिस्टम खत्म हुआ है वो बहुत ही अच्छा पहल है हम लोग के लिए। खुश हैं लोग, अब हलाला और ये तीन तलाक से छुटकारा मिला है महिलाओं को ना। अफगानिस्तान से 1840 में देवगुण आए थे। ये जो आपका समान नागरिक संहिता कानून है इसका मैं पूरे दिल से समर्थन करता हूँ। ये बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी चीज थी। हम सबको आज बहुत सख्त जरूरत है इस देश को कि एक हमारी समान नागरिक संहिता जरूर हो। ये केवल उत्तराखंड तक के लिए नहीं, सारे देश भर में लागू होनी चाहिए। जो ये कार्य कर रहे हैं सरकार का, हम इसके साथ हैं और हम चाहते हैं कि ये जरूर लागू होना चाहिए, समान सबके लिए होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का कोई अन्यायी हो। कोई भी किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा। तो अभी जो आपने वीडियो देखा उसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।
के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर, उसे और मजबूत करने को लेकर भाजपा जुटी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंचे हैं। देहरादून में आयोजित वृहद प्रबुद्ध सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, जहां पर पूर्व सैनिकों उनके परिवार को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। देहरादून स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम 5:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर के दून में उनका अगर देखें आम लोगों के लिए रूट डाइवर्ट रहेगा। 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक डाइवर्जन है। अगर रूट की बात कर ले तो आप भी ध्यान से सुन लीजिए, हाथी बड़कला कैंट जीएसएम रोड आईएसबीटी पर रूट डाइवर्ट रहेगा। तो अगर आप भी दून में घर से बाहर निकल रहे हैं तो अंदाजा लगा लीजिएगा इन इन जगहों पर रूट डाइवर्ट मिलेगा। उधर कोटद्वार में अवैध खनन पर कार्रवाई की गई है। एक जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है। खोह नदी में अवैध खनन की जानकारी मिली थी। छापेमारी से खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा है। और उधर उधम सिंह नगर के किच्छा में अवैध खनन पर छापेमारी की खबर है। प्रशासन ने 4 डंपर सीज किए हैं। किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने कार्रवाई की है। कई दिनों से अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी और इस पर उन्होंने एक्शन लिया है। ये देखिए बैक टू बैक 4 डंपर लगे हुए हैं और एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा है जो इनपुट के बाद एक्शन लिए। ग्राउंड पर आकर जब उन्होंने छापेमारी की तो 4 डंपर को सीज कर लिया गया है। ये सभी अवैध खनन में थे। जोशीमठ के लामरी रविग्राम में लाइन टूटने से जमीन धंसने का खतरा मंडरा रहा है। सेना और जल संस्थान की लाइन टूटने की वजह से बड़ी मात्रा में पानी बह रहा है। पानी बहने से लामरी गांव में जमीन धंसने का खतरा बढ़ चुका है। लाइन टूटने के बाद से गांव वालों में दहशत का माहौल है। उन्हें जमीन धंसने का डर सता रहा है। आइए आगे बढ़ते बात करते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। एक ओर स्वास्थ्य विभाग खराब सेहत के चलते गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को परहेज की हिदायत दे रहा है तो दूसरी ओर तीर्थ यात्री मान नहीं रहे, जान का जोखिम उठा रहे हैं जिसके चलते हार्ट अटैक से मौत के मामले सामने। ये कवायद 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सावधान करने के लिए हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने से पहले तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है जिससे यात्रा के दौरान उन्हें किसी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। खराब सेहत वालों को गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर जाने से मना किया जा रहा है लेकिन बावजूद इसके कुछ तीर्थ यात्री जान का जोखिम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में इस बार हार्ट अटैक से मरने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि यमुनोत्री धाम में अब तक 12 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है जबकि 3 तीर्थ यात्रियों की चोटिल होने के चलते जान गई। जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई उन्हें पहले ही अनफिट करार दिया गया था। 35 तीर्थ यात्रियों की यात्रा के दौरान जान चली गई जबकि 5 तीर्थ यात्रियों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल गए थे। अब तक दोनों धामों में 9.5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री पहुँचे हैं जिनमें 4,56,596 तीर्थ यात्री यमुनोत्री और 5,22,698 तीर्थ यात्री गंगोत्री धाम पहुँचे हैं। उत्तरकाशी से एबीपी गंगा के लिए दिग्वीर बिस्ट की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।